प्रदर्शनी 2020 का आगाज आज राजधानी स्थित राजभवन में किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां फीता काट कर इस पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, वहीं इस मौके पर उनके साथ प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल मौजूद थे। यहां इस प्रदर्शनी में जैसा कि आपने देखा कि तरह तरह के पुष्प और भाजियां लगाई, लेकिन सबसे सुंदर बात जो थी यहाँ पे पुष्पों के माध्यम से योजनाओं को दर्शाने की कोशिश की गई है। अभी आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पे इस समय आप देख रहे हैं ये गंगा एक्सप्रेसवे का जो है यहाँ पे मॉडल लगाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रयागराज से रायबरेली, रायबरेली से कानपुर और हरदोई होते हुए ये एक्सप्रेसवे मेरठ पे से शुरू हुआ था और आखिरी में प्रयागराज तक गया है। और इसी तरीके से कई जो झांकियां हैं यहाँ पर लगाकर पुष्प के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की गई है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक राजभवन का यहाँ पे लगाया गया, राजभवन को प्रदर्शित किया गया। उसके बाद सबसे खास बात, पुष्प प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया जा रहा है। ये पूरा जो एक प्रदर्शनी लगाई गई है, इसको बहुत अच्छे से सजाया गया है और इस मौके पर भी बेटियों को के साथ दिखाने की इस सरकार की एक कोशिश है कि हम बेटियों के साथ हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन को पर सबसे ज़्यादा जोर पकड़ते हैं। आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि इसी तरीके से जो है यहां पर प्लास्टिक का प्रयोग ना हो, इसके लिए भी एक प्रदर्शनी लगाई गई है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए देखिए यहाँ किस तरीके से मोर को फूल के माध्यम से बनाया गया है। और गौ सेवा, गौ रक्षा जो मुख्य मुद्दा रहा था इस सरकार का, आप देख सकते हैं गाय की भी यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पर गाय को भी फूलों की गाय यहाँ बनाई गई है और देखने में भी ये बहुत सुंदर लग रही है। और आखिरी में सबसे बड़ी जो यहाँ पर झांकी लगाई गई है वह स्वच्छ भारत मिशन की लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन, जिसको उन्होंने एक आंदोलन बनाया, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं लगा हुआ है। और ये भी पूरा जो सेटअप है ये भी फूलों से ही बना हुआ है। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं, साथ ही साथ इसका संदेश दिखाएं। लिखा हुआ है एक कदम स्वच्छता की ओर। अब देखना होगा कि जो पब्लिक यहाँ आई है, आखिर पब्लिक इस प्रदर्शनी को देखकर क्या सोचती है और पब्लिक का इस बारे में इस प्रदर्शनी को लेकर क्या कहना है। हर वर्ष की तरह मुझे लगता है कि हर वर्ष भी इसी तरह से आयोजन किया जाता है। कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बच्चे बनाते हैं या कुछ बड़े लोग बनाते हैं, वो देखने को अलग से मिलते हैं, लेकिन वैसे तो अमूमन इसी तरह से फूलों की प्रदर्शनी में जैसे होता है। आपने क्या देखा कुछ खास? मैंने ये खास देखा, देखिए ये ओल्ड लेडीज बैठी हुई हैं, इन्होंने पॉलीथीन में कितना सुंदर वो धनिया है, हरी मिर्चा है, वो पुदीना है, सब कुछ पॉलीथीन में उगाया है। कितनी मेहनत करी है। पालक है, देखिए सब, देखिए बहुत मेहनत करी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। गवर्नमेंट गार्डन से आलमबाग से ये लोग आई हैं, इनके द्वारा बनाया गया। इनका देखा, ये देखा सब्जियाँ जो बनाई उगाई गई हैं गमलों में और ये पॉलीथीन के पैकेट्स में, ये एक विशेष अच्छा आकर्षण का केंद्र लगी। वैसे तो सब्जियां तो उगती हैं ज़मीन में और वैसे गमले में भी उगाते हैं लोग, मिट्टी में ही उगती हैं नो डाउट, लेकिन ये है कि पॉलीथीन के अंदर मैंने देखा तो मैंने कहा कि कैसे उसको मत की, बहुत अच्छा लगा। The exhibition that has been put by the government out here is definitely very good. It's a first time kind of experience in Lucknow, at least for certain flowers out here are definitely new, and it's definitely good for the visitors who are like very fond of gardening and for seeing new flowers. So yeah, a very good experience overall. Do you think this is good for farmers? Definitely. Yeah, it is good for the farmers. It's a good incentive to promote more and bring out better variety of seeds, flowers. So yeah, flowers definitely. So it's a incentive for the farmers in all. यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों को लाकर हमने जो तरह तरह के वेजिटेबल्स वगैरह दिखाए, साग भाजी लगी, इतनी बड़े बड़े लौकी और मूली और ये कद्दू वगैरह देख के बच्चों का भी बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों के नॉलेज में क्या बच्चे ही बागवानी करेंगे? नहीं, बागवानी नहीं, लेकिन घर में ये लोग हॉर्टिकल्चर का करेंगे। इन्होंने भी इच्छा व्यक्त की है कि घर में हम लोग इससे बड़ी लौकी लगाएंगे। यहाँ पे बहुत अलग अलग वैरायटी के हमें फ्लावर्स देखने को मिले जो नॉर्मली आपको हर जगह नहीं देखने को मिलते हैं, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ ये सब देखने। और सब्जियों का पैटर्न भी आपने देखा होगा जी। तो क्या लगता है जो आज ये प्रदर्शनी लगाई गई, इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो गाँव के किसान हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा इसके? जी जरूर मिलेगा कि क्या क्या नई नई प्रजातियों की सब्जियाँ मिल रही हैं, वो लोग यहाँ आए, देखें, समझें और खरीदें और जनता को भी पहुँचाएं। हमने नई तरीके की सब्जियाँ, फल, फूल सब देखे नए। सबसे खास इस प्रदर्शनी में ये रहा था कि हम लोग ने जितनी वैरायटी सुनी थी, सिर्फ सुनी भी नहीं थी बहुत से ज़्यादा, तो लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ देखने को मिली है, चाहे वो खाने की हो। हमें आज पता चला किस किन किन चीज़ों से क्या क्या बनता है, पहली बार देखा। इतना सुनते आए थे बस कि लगती है राजभवन में लगती है फूल प्रदर्शनी, लेकिन आज तो देखा नहीं था कभी, आज देख लिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का और खुशी हुई। हम लोगों को सबसे खास लगा इसमें यहाँ पे सब्जी उद्योग में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वैरायटी की सब्जी और काफ़ी पता जानकारी प्राप्त हुई हम लोग को आज। और रियली में यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, हम लोग को क्या क्या जानने को मिला हम लोग को, और इससे ज़्यादा जानने को मिला। आमदनी ले सकते हैं इस प्रकार की खेती के माध्यम से, और इस प्रकार की खेती को प्रोत्साहित करने की जिससे राजभवन में आज इस प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है। आदरणीय राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन और आशीर्वाद इस पूरे कार्यक्रम को प्राप्त हुआ। मैं एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का जो अभियान है, इसमें औद्यानिक फसलों की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। जितनी संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर है, उससे कई गुना कार्य अभी इसमें किया जा सकता है। और विगत कई दशकों से उत्तर प्रदेश के राजभवन में प्रदेश के किसानों की आमदनी को बढ़ाने के साथ ही उनकी रुचि प्रकृति के प्रति भी हो, इस दृष्टि से यह औद्यानिक फसलों की प्रदर्शनी, जिसमें साग भाजी है, फल है, पुष्प हैं, इन सब की इस प्रदर्शनी का एक भव्य आयोजन यहाँ पर हुआ है। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.